अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द ही शुरू किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर पर फैसला देकर भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर निर्माण का आदेश 9 नवंबर को दिया था और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी सरकार को दिया था, जिसके बाद फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि राम जन्मभूमि रामलला की ही है। आपको बता दें कि झारखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की अवधि भी तय कर दी। अमित शाह ने कहा कि 4 महीनों के अंदर आसमान छूता हुआ भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अमित शाह ने आगे यह भी कहा कि 100 वर्षों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, अब भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी न तो विकास कर सकती है, न देश को सुरक्षित कर सकती है और न ही देश की जनता की जन भावनाओं को सम्मान कर सकती है। बहरहाल अमित शाह के बयान से साफ हो गया है कि अब जल्द ही अयोध्या में आसमान छूता राम मंदिर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।